नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के जो आपके फॉर्म है वो 5 जून से अप्लाई होने वाले हैं। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपका एडमिट कार्ड नहीं रुक सके। ठीक है, क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को तो यानी कि परसेंटेज क्राइटेरिया के क्राइटेरिया में नहीं होने के कारण उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म में मिस्टेक होने की वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो वो सभी मिस्टेक आपको कैसे अवॉइड करनी है तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोस्ट गार्ड की रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो फॉर्म है वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। 10th पास 10th की एलिजिबिलिटी इसके अंदर आपकी मांगी गई है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपका इसके अंदर लगता है फोटो और सिग्नेचर। क्या लगता है? फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप फॉर्म भरेंगे, कल हो सकेगा तो एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा हाउ टू फिल इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देनी है आपका जो एड्रेस है, एड्रेस को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपके डोमिसाइल के अंदर है, ध्यान देना, जो भी आपके डोमिसाइल के अंदर है वो एड्रेस आपको डालना है। कोई भी यदि आप कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एड्रेस है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, आप उसे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि भाई नोएडा की तुलना में जो कट ऑफ है गुजरात की कम जाती है तो वो गुजरात से डाल देते हैं, उनका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, वो एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलती है। बिकॉज जहाँ पर आप रहते हैं वहीं का आपका डोमिसाइल है और वहीं जो रीज़न आपका आता है। कई स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं गुजरात या मुंबई फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं फिल कर सकते। जी हाँ, यदि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो वो आप एड्रेस डाल सकते हैं, चाहे आप मुंबई में रह रहे हो, चाहे आप तेलंगाना में कहीं भी रह रहे हो, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके ऊपर ही आपका फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ़ोटो की साइज़ और फ़ोटो और जो आपके सिग्नेचर है उनका साइज़ बिल्कुल फिक्स जो भी उन्होंने रखा है वही होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है उसका थोड़ा सा ध्यान देना, वो उल्टा फिल ना हो जाए। ठीक है, उसको सीधा भरना। उसके बाद आपका एक वैलिड फ़ोन नंबर और वैलिड आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैसे ज़्यादा ये काम नहीं आती है लेकिन उसके अंदर वो मांगी जाती है। तो यदि आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वैलिड नहीं होंगे तो फॉर्म भरने के लिए वहाँ पर आपको मना कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपके फॉर्म है उसका टाइम ज़्यादा नहीं होने के कारण जल्दी ही लॉग आउट हो जाता है, इसलिए जो अपनी सभी डिटेल्स हैं वो एक बार कलेक्ट करें, उसके बाद फॉर्म भरना आप स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल राइट डालना है, दूसरा एड्रेस में गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेम वगैरह वो सभी चीज़ें सही तरह भरना, बाद में बोलोगे कि मेरा नेम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो एक बार देखकर चेक करके अपना सही तरह भरना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो डोमिसाइल से रिलेटेड मैंने बताया था वो सही तरह भरना। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर जनरल ही भरिएगा, वरना यदि आपने ओबीसी डाल दिया तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जैसे ही ओबीसी लिखा होगा उसके अंदर आपसे मांगी जाएगी कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगी बिकॉज आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, तो इसलिए इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आप एससी से हैं, एसटी से हैं, आपको रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप उसमें अपने वो एससी एसटी हैं वो डालोगे। इतनी भी होशियारी मत दिखाना कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप एससी एसटी डाल दें, उससे भी आपका फॉर्म है तो रिजेक्ट हो सकता है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर से आउट किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का कोस्ट गार्ड फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कल से फॉर्म है नहीं, 5 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना। 10th पास है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि मैं एडमिट कार्ड नहीं आने की वजह से फॉर्म नहीं डालूंगा, बट ऐसे नहीं सोचना है, फॉर्म सभी को डालना है। ठीक है,
फॉर्म नहीं डालोगे तो क्या होगा, फॉर्म डालने से देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, फॉर्म डाल दीजिएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, आएगा तो प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, भाई इसमें क्या है। और ऑब्वियस सी बात है यार, आप पे यदि फॉर्म डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ की प्रिपरेशन तो आप कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए आपको अलग से कोई इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, नहीं, वही सभी चीज़ें जो आपको पढ़नी होंगी, तो इसलिए फॉर्म ज़रूर डालें। आपके फ़ायदे के लिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड आए ना आए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।